वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि पिछली वीडियो के जो भी मुझे कमेंट अच्छे लगे हैं वो सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा मैं बोश कंपनी का टेबल सो लेके आया हूँ जिसका मॉडल नंबर है GTS 254J, इसका मॉडल नंबर है। और हाँ दोस्तों, जो सा इस वीडियो का लाइक का मैंने टारगेट रखा है वो मैंने 10,000 का रखा है। वो मुझे पता है मेरे कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। और दोस्तों जो से इस वीडियो के जो से मुझे कमेंट अच्छे लगेंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, अभी तक बॉक्स मैंने ओपन नहीं किया था। मैं क्या, मैं अपने भाइयों के सामने इस बॉक्स को ओपन करूँगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इसका मैं बॉक्स ओपन कर रहा हूं आपके सामने और काफ़ी हैवी ड्यूटी मशीन है, मुझे दो आदमियों की जरूरत पड़ती है, फिर मशीन निकाल के आपको दिखाता हूँ। आइए देखते हैं बॉक्स में से क्या क्या चीज़ें हमें साथ में मिली हैं। दोस्तों शुरू में ये हमें मैनुअल गाइड मिलती है जिसके अंदर डिटेल दी होती है मशीन वगैरह की, पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। और ये हमें एक मिलता है वारंटी कार्ड मिलता है जिसके अंदर 6 महीने की वारंटी होती है। और ये इनके सर्विस सेंटर होते हैं, जॉनसन सिटी में सर्विस सेंटर है इनके। और ये हमें रेविंग नाइफ मिलता है, ये सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, जिससे सेफ्टी इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर, ये भी मैं बताऊँगा कहाँ लगेगा। और एक हमें इसके साथ ये डी मिलती है, और एक इसके साथ हमें फेंग्स मिलती है, और एक इसके साथ हमें पुश स्टिक मिलती है, दो हमें इसके साथ कीएँ मिलती हैं, चाबियाँ मिलती हैं, और ये इसके साथ ये एंगल हैं जो उनसे ये मशीन के नीचे हमारे लगेंगे जिसके ऊपर मशीन हमारी खड़ी होगी वर्क करेगी। और ये नीचे फुटरेस्ट लगते हैं, और ये दोस्तों ये इसमें लगाने बहुत ज़रूरी है, कई मेरे कारपेंटर भाई लगाते नहीं हैं। इसके अंदर क्या होता है, लगाने के बाद क्या होता है, मशीन आपकी स्लिप नहीं करेगी, बहुत जान एक जैसी रहती है इसके साथ। पहले मैं आपको फेंक्स फिट करके दिखाता हूँ इसकी फेंक्स कैसे फिट होती है। ये इन्होंने फेंक्स के पीछे एडजस्टमेंट दी हुई है, जैसे आपकी फेंक्स टाइट करनी है या लूज करनी है तो इससे आप कर सकते हो। ये देखो फेंक्स हमारी बिल्कुल फिट हो चुकी है। अगर हमने फेंक्स को लॉक करना है तो इस लीवर को करेंगे हम डाउन कर देंगे, ये फेंक्स हमारी फिट हो गई है। दोस्तों ये आपको मार्किंग नज़र आ रही होगी, ये वेवल की मार्किंग लगी हुई है 0 से लेकर 45 डिग्री तक, यहाँ भी आप इसको सेट करना चाहते हो। अब दोस्तों इसका क्या करेंगे, इसका हम कटर बाहर निकालेंगे। कटर कैसे बाहर निकालेंगे, ये देखिए और कितना ऊपर आएगा ये भी हम देख लेंगे। ये हमारा 3.25 इंची ब्लेड ऊपर आ गया है। हम ब्लेड का डाया देख लेते हैं, ब्लेड का डाया हमारा 10 इंची का है। इसके अंदर जो से हमारे टीथ हैं ये 40 टीथ हैं। जब हमने किसी भी डिग्री को कटर पर बांधना हो तो कैसे कैसे बांधेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे इस वाले जो है पीछे या लीवर, इसको क्या करेंगे डाउन कर लेंगे। और इसको जिस भी डिग्री पर करना है, हमने 20 पर करना है, 25 पर करना है, 35 पर करना है, ये हमने 45 पर जैसे कर लिया, जैसे हमने कलम वगैरह किसी चीज़ की काटनी, तो क्या करेंगे इस लीवर को पीछे हम टाइट कर देंगे। ये मेरा 45 पर हो गया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए कटर को ज़रा आपने ध्यान से देखना है, मेरे नीचे की लीवर की तरफ मत देखिए, कटर देखिए आप, ये राइट में हो गया, ये हो गया 10 डिग्री पर हो गया, ये 20 पर हो गया, ठीक है। ये देखिए ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये मैंने बांध दिया 0 पर, तो यानी कि हमारे राइट एंगल की कटिंग। दोस्तों हम बात करेंगे मार्किंग स्केल के ऊपर। दोस्तों आपको ये मार्किंग स्केल नज़र आ रहे होंगे, नीचे इन्होंने सेंटीमीटर में दे रखे हैं, ऊपर इन्होंने इंची में दे रखे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर इंची में ही काम होता है, तो मैं इंची का आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे हमने 3 इंची या 4 इंची में करनी है, हमने क्या करना है लीवर को लूज करना है, तो अपनी बेस प्लेट को आगे ले जाएंगे हम, ये होगी हमारी आगे होगी फेंक्स हमारी आगे होगी, तो हमने 5 इंची पर करना है, तो हमने इसको नीचे की तरफ कर देना, तो बिल्कुल हमारा 0.05 इंची में काटेगी। यानी कि इनके हम एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे, 5 इंची में हैवी के नहीं है, ये देखिए ये बिल्कुल 5 इंची में है, यानी कि बार बार आपको इंची टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी खोलने के लिए, ठीक है। अगर देखो आप अगर 11 इंची तक भी करना तो ये आपका 11 इंची तक भी आप लास्ट ले जा सकते हो, ये लास्ट आपका 11 इंची तक काट देगी। ये आपको देखो जो 11 इंची तक स्केल है नीचे की, अगर 11 इंची तक काटना है तो आपकी ये काम करेगी। अगर 11 से आपने ऊपर काटना है तो आपने क्या करना, ऊपर ये एरो का इन्होंने निशान दे रखा है, तो आपकी ये वो डायमेंशन ऊपर वाली काम आएगी हमारे, ये ऊपर वाली कैसे काम आएगी, ये हमने क्या करना है फेंक्स को अपनी को यहाँ पर 11 पर हमने इसको सेट कर देना, 11 पर सेट करने के बाद इसको यहाँ पर लॉक कर देना है।
लॉक करने के बाद हमने क्या करना है, हमने बेस प्लेट को बड़ा करना है। बेस प्लेट को कैसे बड़ा करेंगे, नीचे से हमने किया इसको पुल किया, ये ऐसे हमारी बेस प्लेट ऊपर ओपन होगी बड़ी जितनी मर्जी। अब देखो ये ऊपर की डायमेंशन के साथ हमने ये करना है, जैसे ये हमने कर लिया 18 पर हमने करना है, तो हमने ये 18 पर बांध लेना है, ठीक है। 18 पर करने के बाद, ये 18 के करने के बाद तो हमने क्या करना है, लीवर को नीचे की तरफ पुश कर देना। ये हमारा अब हम नाप के देख लेते हैं, 18 इंची हो गया क्या हमारा दोस्तों, बिल्कुल 0-0 है, ये हमारा 18 इंची हो चुका है। यानी कि इसके अंदर ये नहीं है कि बार बार आपको बार बार इंची टेप लेनी, इसमें यानी कि बहुत ज़्यादा आपकी टाइम की बचत होती है इसके अंदर। अब जहाँ मर्जी आप इसको कर सकते हो, यहाँ पर आपको कर दो, जहाँ मर्जी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने डी के साथ कटिंग करनी है तो आप डी भी इसमें लगा सकते हो। मैं आपको इसका ब्लेड ओपन करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं रेविंग नाइफ फिट करके दिखाऊंगा आपको। दोस्तों नीचे का स्टैंड कंप्लीट हो चुका है, ये हमने इसके फुट रेस्ट भी लगा दिए क्योंकि इसकी मदद से ये आगे की तरफ पलटता नहीं है। और दोस्तों इसकी वेट की बात करें, वेट इसका 24 किलो 400 ग्राम इसका वेट है। आप इसको कहीं भी यानी कि शिफ्टिंग वगैरह कर सकते हो बड़े आराम से। अगर आपको ये स्टैंड नहीं चाहिए, स्टैंड उतार के कहीं भी आप साइड पर इसको ले जा सकते हो। और दोस्तों इसकी वाट की बात करें, वाट है इसका 1800 वाट का है। और इसके आरपीएम की बात करें, 4300 इसके आरपीएम है। और दोस्तों ये कॉपर वाइंडिंग में है और इसकी 2 मीटर के तकरीबन इसकी ये वायर है, ये भी कॉपर में ही आती है। और दोस्तों बाकी का प्रोसेस मैं नीचे रख के करूँगा, इसकी वर्किंग आपको पूरी अच्छी तरीके से बताऊँगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इंडियन वुडवर्क इंटरनेशनल एग्जीबिशन लग रहा है बंगलोर के अंदर, ये अपना 2 जून से लेकर 6 जून तक रहता है। तो मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, 3 और 4 जून को मैं वहीं पर ही होऊंगा सुबह से लेकर शाम तक। तो मैं सामने स्क्रीन पर आपको हॉल नंबर भी नज़र आ रहा होगा, तो कहाँ पर उनका स्टॉल है वो भी आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो आप लोगों ने सभी ने आना, क्योंकि मैं आपका बहुत तगड़ा फ़ैन हूँ, मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। मशीन मैंने नीचे उतार दी, सबसे पहले क्या है मैं इसकी आपको पावर ऑन करके दिखाता हूँ। यानी कि इसको ऑन करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ये इन्होंने दे रखा क्लिप, ये देखिए ये ग्रीन से ये हमारी ऑन हो गई। और जब हमने ऑफ करनी है, ये इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है
जैसे ऑन के लिए तो हमें इसको उठाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, जब हमने ऑफ करना है, क्या कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह जैसे हो जाता है, एकदम झटका मारोगे तो ऑफ हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा इसके ऊपर, हम इसकी कटिंग चेक करेंगे, ये परफेक्ट कटिंग काटती है कि नहीं काट रही है। तो मैं 2 इंची पर इसको बांधूंगा, यहाँ से मैंने 2 इंची सेट कर लिया है, फैंक्स को मैंने 2 इंची पर कर लिया है, तो देखते हैं इसका रिजल्ट। मैंने 2 इंची हमारी कटिंग निकलेगी इसके साथ। दोस्तों मेरी परफेक्ट 2 इंची निकली है जी, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है जोन सी इसकी मेजरमेंट है बिल्कुल 0-0 है। तो कटिंग करते समय मैंने एक गलती बड़ी तगड़ी की थी, आप लोगों ने किसी ने उसमें से बोला भी नहीं कि ऐसी गलती मत करो रियाज जी। मैंने क्या गलती की थी, हम कभी भी ऐसे कटिंग वगैरह करते हैं, जैसे मैंने आधी 12 mm की प्लाई काटी थी, तो हमें क्या करना है 19 mm के करीब कटर बाहर निकालना है। इस चीज़ को सोच लेना, क्योंकि अगर मैंने जैसे ये ज़्यादा निकाला हुआ था, ये फर्ज करो ये स्टिक टूट भी जाती तो मेरा हाथ कितना डैमेज होना था। सेफ्टी दोस्तों सबसे पहले, काम बाद में सेफ्टी सबसे पहले। हमने क्या करना है, जैसे ये 12 mm का है तो हमने क्या करना है, इसको कम कर लेना कटर को। ये गलती कभी मत करना भी, कारीगर ने दूसरे ने काम किया, मैं भी ऐसे इसको कर देता हूँ कि दूसरे कारीगर ने अगर 2.5 इंची की लकड़ बांधी तो जितने पर कटर बांधा हुआ था, जैसे आप 12 mm की करते हैं, जैसे हम ये इस काम में आएगी, जैसे हम 2 सूत की प्लाई वगैरह की स्ट्रिपें वगैरह काटते हैं, बहुत यानी कि फास्ट काम इससे हो जाता है। ये देखिए इतना हमने कटर बाहर निकालना है, अगर मेरा हाथ यानी कि वर्क करते समय छुट भी जाए तो यानी कि हाथ इतना डैमेज नहीं होगा। और दोस्तों एक चीज़ कंपनी ने और चीज़ इसमें अच्छी ऐड की है, ये देखो इससे क्या होता है, हमारी जो सी ये लकड़ है ये यानी कि बैक हमारी तरफ नहीं आती। इसमें क्या होता था, इसमें हम बोलते हैं बैक किक नहीं लगती, नाइफ के साथ बैक किक नहीं लगती। आपस में जब भी जैसे गीली लकड़ वगैरह चीर रहे हैं तो उसके अंदर क्या आगे जाके चिपक जाती थी, तो जैसे कटर चलता था बैक हमारी तरफ को आती थी, इससे क्या मोटर भी यानी कि फूक जाती थी, और हमारा इससे क्या कटर जो सी चीर चराई वगैरह करते हैं बड़ा फ्री चलता है। ये देखिए जैसे ये लॉक लग गया है, ये अब इधर को नहीं आने देगी, यानी कि मेरी यानी कि लकड़ को अपनी तरफ को पकड़ के रखेगी। जैसे हम आगे कारीगर बिठा देते थे, यार इसको पकड़ना जरा पकड़ना, अब यानी कि वो काम खत्म हो गया। बाकी मैं आपको डी का इसको बताता हूँ किस किस तरीके से हम डिग्री इसकी काटेंगे। तो थोड़ी सी मैं आपको डी की जानकारी दे देता हूँ। एक तो चल बहुत ज़्यादा स्मूथ रही है, इसके अंदर ऐसे प्ले नहीं है, यानी कि कोई भी हम कटिंग वगैरह कटेंगे बिल्कुल 0-0 होगी। दोस्तों इसमें डिग्री बनी हुई है, 0 से लेके 60 इधर बनी हुई है और 0 से लेके 60 इधर बनी हुई है, राइट लेफ्ट दोनों तरफ बनी है। जैसे 15 पर काटना है तो 15 पर स्लॉट, इसके अंदर क्या स्लॉट बने हुए, आम डीओ में क्या होता है स्लॉट नहीं होते। जैसे ये मैंने लूज की, ये मैंने 15 पर कर दिया, नहीं तो हमें ऐसे ऐसे करके सेट करना पड़ता है, उसमें आती एडजस्टमेंट पूरी, ये 30 पर होगी, ये 45 पर होगी, ये 60 पर होगी, यानी कि बिल्कुल स्लॉट बने हुए। ये देखो आपको पता लग गए होंगे, ये अब जैसे 90 पर ये हमारी होगी राइट एंगल पर काटनी, और इसकी जो सी फैंक्स होती है ये भी यानी कि आगे पीछे रोटेट होती है अपनी जॉब के हिसाब से, जैसे आपने काटना है तो उसके हिसाब से आगे पीछे हो जाएगी आपकी। ये देखिए ये इसका प्लास्टिक है, ये इसका अल्मीनियम का, ये इसके अल्मीनियम का है, और कहीं भी आपको सेट करने तो इस तरीके से आप कर सकते हो सेट। ये देखिए और पकड़ने में बड़ी अच्छी है, और ये इसका जो सा ग्रिप है ये भी बहुत अच्छा है, यानी कि वर्क करने में ना ऐसे पकड़ के आप वर्क इसके साथ कर सकते हो। अब मैं वुड के पीस को राइट एंगल में काट के देखूंगा, तो 90 डिग्री में मैंने डी अपनी बांध दी, तो देखते हैं इसके क्या रिजल्ट। जैसे मैंने बोला था 2 सूत मेरा ऊपर है ब्लेड अपना, तो हम देख क्या दोस्तों हम बहुत तगड़ी गलतियां करते हैं। मैं अक्सर वीडियो में भी देखता हूं बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, यहां पर डी वगैरह कुछ नहीं लगाते, हम क्या करते हैं फट्टे पर निशान लगा के तो हम ऐसे काटने लग जाए। इस केस में क्या होता है, ये बहुत तगड़ा बैक मारता है, यानी कि एक्सीडेंट होने के पूरे चांस इसके अंदर रहते हैं, 100 में से 99% चांस रहते हैं। दोस्तों अब मैं 45 डिग्री में कलम काट के दिखाऊंगा, उस केस में क्या होगा, ये मुझे फैंक्स आगे करनी पड़ेगी, क्योंकि फैंक्स का ये बहुत है, क्योंकि यहाँ तक अगर मैं पीछे लेके जाऊँगा तो एक्सीडेंट का चांस है। फैंक्स को मैंने आगे कर लिया, अब मैं 45 डिग्री में काटूंगा, देखते हैं इसकी कलम हमें 0-0 मिलते हैं इसका। बिल्कुल दोस्तों 0-0 है। मैं राइट एंगल से भी आपको चेक करा देता हूँ, मैं आपको राइट एंगल में भी आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल 0-0 है दोस्तों। मैं वेबल में कटिंग करूँगा, अब इसका ब्लेड का एंगल देखना है, इसको मैं 45 डिग्री पर बांधूंगा।
क्रीज में। दोस्तों 45 डिग्री में मैंने बेबल सेंगल को बांध लिया, मैंने कटर को बांधा ना कि मैंने डी को। आपने ध्यान से देना, मैं कटिंग करूंगा इसकी। दोस्तों ये भी बिल्कुल 0-0 आया। दोस्तों फैंग्स मेरी ये दोनों तरफ लग सकती है, लेफ्ट और राइट में। अगर किसी भाई का राइट की हैंड की तरफ का हाथ चलता है तो राइट की तरफ कर सकता है, अगर लेफ्ट की तरफ चलता है तो लेफ्ट की तरफ कर सकता है। तो इसकी कैसे फिट होगी, जैसे मैं लेफ्ट में कर रहा हूँ, ये हमने लगाई, ये हमारी फैंग्स फिट होगी इसके अंदर। तो ये हमने इधर से रोटेट करनी है, ये हमारा इधर से नहीं आएगा, ये हमारा इधर से आएगा। जैसे ये मैंने इसके अंदर यहाँ से कर दिया, ये मेरा आ गया, ठीक है। अब जितने पर भी मैंने बांधनी है आगे पीछे, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। और जैसे मैंने पीछे से इसके ये मक्खी दे रखी है इसको टाइट करने के लिए, ये मैंने टाइट कर दी। और इधर से अगर इधर से इधर की तरफ से आप कटिंग करोगे तो आपकी कटिंग कम होगी, तो आपकी इधर की तरफ से अपना यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ से जो सी कटिंग होगी आपकी, ये मैंने ये कर दिया यहाँ से, तो होगी कम से कम 9.5 इंची तक का आप कटिंग कर सकते हो। दोस्तों ये ज़रूरत ऐसी है, जैसे किचन कैबिनेट वगैरह, जैसे अलमारियाँ वगैरह, जैसे दराज वगैरह की ठल वगैरह हम काटते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है यानी कि गुनिया और बदगुनिया करने में। दोस्तों एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ, क्योंकि जब भी कभी हमें जैसे चौकटों का पताम वगैरह निकालना हो या कटिंग करना हो, इसके ऊपर पताम भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, हमें ये नेविन नाइफ हमें खोलना पड़ेगा। तो क्योंकि ये ब्लेड से ऊपर है, क्योंकि जब हम पताम में से निकालेंगे लकड़, ये ऊपर की तरफ आएगा, ये हमें खोलना पड़ेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बोश कंपनी का खुद का बी करेक्टेड ऐप है, तो उस ऐप की वजह से तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हो कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं है। जैसे इस वाले बॉक्स के ऊपर भी हमारा बारकोड स्कैनर लगा हुआ है, देखिए बारकोड स्कैनर लगा हुआ है। बारकोड स्कैनर को करने के लिए पहले आपको बोश का जो ऐप है वो अपने मोबाइल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जैसे आपको स्टिकर पे दिख रहा है तो स्टिकर के ठीक वैसे ही करना, आपको स्कैन करके इस वाले प्रोडक्ट को स्कैन कर लेना कि आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं। दोस्तों टेबल सो के थोड़ी सी प्राइस के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों जो सा इसका प्राइस है वो 30,000 के करीब है, यानी कि 29,990 रुपये की मैंने परचेज की थी, मैंने भी अमेजोन से की थी। अगर आप भी मेरा कोई भी कारपेंटर भाई अमेजोन से इसको परचेज करना चाहता है तो अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप परचेज कर सकते हो। दोस्तों टेबल सो के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है छोटी से छोटी, अगर मुझसे मिस होगी तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।